हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट फोर देखने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का। सो पार्ट वन टू एंड थ्री ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट वन में मैंने टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग बताया था, साथ में चाइनीज कोडिंग को मैंने यहाँ पे बताया था। पार्ट टू एंड थ्री में जो आपकी न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें आपके सिम्बल नंबर एंड अल्फाबेट इन सबका यूज करा जाता है, उसको मैंने डिस्कस करा था। तो आप वो जरूर देखिएगा, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको मैंने क्लियर करा था। आज हम लोग पार्ट फोर में एक नया पैटर्न देखने वाले हैं, जो कि आजकल मेन्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए, और फिर उसके शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई शॉर्टकट मेथड, इवन मैं बोलूंगी रीजनिंग में कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं शॉर्टकट के बारे में। तो इस सीरीज के लिए अगर कोई भी फीडबैक है या कोई भी सजेशन है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बात और, यहाँ पे लास्ट टाइम मैं कमेंट पढ़ रही थी जो कोडिंग डिकोडिंग वाली जो मैं लेक्चर लेकर आई थी, उसमें एक दो स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मैम ये जो आपकी मतलब सीरीज चल रही है ये बहुत ही लॉन्ग है, मतलब जैसे कि जो आप मेथड बता रहे हो बहुत ही लॉन्ग है, आप मैम शॉर्टकट मेथड बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, लॉजिक में मैं कौन सा आपको शॉर्टकट मेथड बताऊं? मतलब आपको एक लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक आप कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, वही एक शॉर्टकट है कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि आप सबसे पहले नंबर को पकड़ो, फिर आप लेटर को पकड़ो, फिर आप सिंबल को पकड़ो। तो यही इसका एक तरीका है, यही इसका एक शॉर्टकट है। अब आप पहले सिंबल को पकड़ रहे हो, फिर आप लेटर को पकड़ रहे हो, फिर आप नंबर को पकड़ रहे हो, तो इसमें आपको देर लगेगी। तो मैं एक तरीके से आपको शॉर्ट मेथड ही बताती हुई चल रही हूँ, लेकिन अब आपको लॉजिक फाइंड करने में देर लग रही है तो ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कॉमन सेंस लगा पा रहे हो। और जो आपका कॉमन सेंस है उसे इंक्रीज करने के लिए बस आप प्रैक्टिस करो, यही इसका एक इलाज है। रीजनिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मैथ्स में ऐसा होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही लॉन्ग तरीके से कर रहे हो तो आपने कोई भी फॉर्मूला लगाया तो आपने उसे शॉर्ट कर दिया, लेकिन रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, इनमें तो कोई भी शॉर्टकट मैथड कभी भी नहीं लगता है। रीजनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप खुद बताइए। एक ये है कि अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी नहीं है तो आपको भी समय लगेगा पजल करने में, लेकिन यही आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, आपको पॉइंट्स को समझने में देर नहीं लगेगी तो वही आप जल्दी कर पाएंगे। तो बस रीजनिंग तो डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अदरवाइज इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आप खुद बताइए लॉजिक में क्या शॉर्टकट लगेगा। आप अपना कॉमन सेंस जो है जितनी स्पीड से लगा सकते हैं वो लगाने की कोशिश करिए, वही शॉर्टकट मेथड है। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ कहा गया है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसकी हिंदी रखने का तो कोई मतलब नहीं था, छोटा सा ही है, मैं इसको खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे जो कंडीशंस है इनका बार बार यूज होगा तो इसको मैंने हिंदी में रख दिया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पे कहा गया है इन अल्फाबेटिकल सीरीज ए टू जेड ईच लेटर एक्सेप्ट वॉवल्स इज असाइंड अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 6। फॉर एग्जाम्पल बी इज कोडेड एज 1, सी इज कोडेड एज 2 एंड सो ऑन, एच इज कोडेड एज 6 एंड अगेन दोज नंबर गेट रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल जे इज कोडेड एज 1, के इज कोडेड एज 2 एंड सो ऑन। ऑल्सो ईच वॉवल इज कोडेड विद डिफरेंट लेटर एस टी पी एल वी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपकी जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें जितने भी आपके लेटर होते हैं एक्सेप्ट वॉवल्स, यानी कि वॉवल्स को छोड़ के उनको जो है डिफरेंट नंबर असाइन किए गए हैं, और डिफरेंट नंबर जो असाइन किए गए हैं वो 1 से लेके 6 तक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका यूज करा गया है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल ये बताया है कि ऐसे इस तरीके का हो सकता है कि आपका बी को ये लोग 1 दे दें, ठीक, फिर सी को 2 दे दें, फिर यहाँ पे डी को क्या दे दें आपका 3 दे दें, फिर यहाँ पे आप देखोगे ई आएगा तो ई को हम 4 नहीं देंगे, किसको देंगे हम, एफ को 4 देंगे, बिकॉज ई जो है वो वॉवल है और यहाँ पे मना करा गया है एक्सेप्ट वॉवल, यानी कि वॉवल को आपको नंबर नहीं देना है, तो आपको वॉवल छोड़ते जाना है, उसके जस्ट बाद जो लेटर आएगा उसको आपको नेक्स्ट नंबर देना है, तो आप एफ को 4 देंगे। ओके, और उसके बाद जी को क्या देंगे आप 5 देंगे और एच को क्या देंगे 6 देंगे। तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न लेके चलना है, मतलब ये एग्जाम्पल बताया गया, जरूरी नहीं है आपका बी का कोड जो है वो 1 ही हो, बी का कोड 2 भी हो सकता है, बी का कोड 3 भी हो सकता है। तो वो हम कैसे सीखेंगे, जो हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे उससे सीखेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जब आपका जैसे कि एच से लेके 6 तक हो गया, मतलब एच का कोड जो है वो 6 हो गया, उसके बाद जब जो भी नंबर आएगा, जैसे कि एच के बाद क्या आता है आई आता है, तो आई तो वॉवल है इसे आप छोड़ दोगे, आई के बाद क्या आता है जे आता है, तो जब जे आएगा तो ऐसा नहीं आप 7 पर जाओगे, अगेन आपको यही नंबर रिपीट करने हैं 1, उसके बाद K को 2, L को 3, ओके, M को 4, इस तरीके से चलना है, ठीक। फिर इन्होंने ये कहा है कि आपके जो ईच वॉवल होते हैं, यानी कि A, E, I, O, U,
उनको जो कोट करा गया है वो किस तरीके से करा गया है, डिफरेंट लेटर से करा गया है, और डिफरेंट लेटर ये हैं आपका एस टी पी एल एंड वी। लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आपका ए का कोड एस होगा, ई का कोड टी होगा, आई का कोड पी होगा, ओ का कोड एल होगा और यू का कोड बी होगा, ये जरूरी नहीं है। किसी का कोड जो है वो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड का इन्होंने यूज नहीं करा है, तो इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि किसका कोड जो है वो क्या होगा। ये हमें फाइंड करना होगा इस वाली कोडिंग एंड डिकोडिंग को ध्यान में रखते हुए। अब देखो इसे पकड़ना बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले आप जो एक लेटर होता है उसको पकड़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, डब्ल्यू को सिक्स दिया है। अब डब्ल्यू को इन्होंने सिक्स दिया है तो आप पूरा चार्ट बना सकते हो। पूरा चार्ट कैसे बना सकते हो, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब इन्होंने ये कहा है कि हमने इन्होंने जेड को क्या दिया है, सिक्स दिया है, तो जेड को इन्होंने सिक्स दिया है तो एक्स को क्या मिलेगा आपका, वन मिलेगा, अगेन आप रिपीट कर देंगे। वाई को क्या मिलेगा, टू मिलेगा। जेड को क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे, अब इससे नीचे की ओर चलते जाओ, ठीक है, W से नीचे की ओर चलते जाओ। नीचे की ओर चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो U है उसको क्या मिलेगा, U को सॉरी ये जो V है इसको क्या मिलेगा, V को 5 मिलेगा। U को क्या मिलेगा, U को हमें कुछ भी नहीं देना बिकॉज U वोवेल है। T को क्या मिलेगा, T को 4 मिलेगा। S को क्या मिलेगा, S को यहाँ पे मिलेगा आपका, S को मिलेगा यहाँ पे 3, ओके। R को क्या मिलेगा, R को 2 मिलेगा। Q को क्या मिलेगा, Q को आपका 1 मिलेगा। और इसी तरीके से आप पीछे की ओर चलते जाओ। लेकिन एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप W का कोड ना पकड़ के आप किसी ऐसे लेटर का कोड ले लो जो कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हो। असेंडिंग मतलब जो आपका पहले आ रहा हो, जैसे कि आप देखो बी सी डी, ये जो आपके लेटर है ये कहीं पे मेंशन हो, तो बी सी डी कहीं पे गिवन है कि आप देखो सी गिवन है, ओके, ल्यूसेंट में आपका सी गिवन है, तो सी का जो कोड है वो क्या लिया है इन्होंने, सी का कोड यहाँ पे टू लिया है। तो सी का कोड अगर टू लिया है तो आप देखो कि बी का कोड क्या होगा, वन होगा। अब डी का कोड क्या होगा, थ्री होगा। तो इस तरीके से जब वन टू थ्री करते हुए चलोगे तो आप असेंडिंग में चलोगे तो आपसे जो यहाँ पे मिस्टेक है वो नहीं होगी, जबकि आपकी डिसेंडिंग में थोड़ी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ओके। मतलब वो थोड़ा टफ रहता है क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, तो बेटर है हमें जिसकी आदत है या जो जिस चीज में हम कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग चले। तो आप कोई ऐसे लेटर का कोड ढूंढा करो जिससे आपको ये आसानी हो जाए कि किस कौन सा जो आपका लेटर है वो पहले आ रहा है उसी का कोड रखो ताकि आप असेंडिंग में चलते जाओ। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये कोडिंग होती है ये फिक्स होती है, मतलब जिस जो जो लेटर जिस पोजिशन पे लगा होता है उसका कोड उसी पोजिशन पे लगाया जाता है इस वाले पैटर्न में। तो यहाँ पे आप देखोगे ई जो है वो वॉवल है से हटा दो, फिर F क्या होगा, F4 होगा, G क्या होगा, G5 होगा, H क्या होगा, H होगा 6, I को हम छोड़ देंगे वॉवल है, J क्या होगा, J आपका फिर 1 हो जाएगा, K क्या होगा, 2 हो जाएगा, L क्या होगा, 3 हो जाएगा, M क्या होगा, 4, N क्या होगा, 5, ओ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज वॉवल है, फिर पी के हो जाएगा 6। अब सी के बाद, अब 6 के बाद हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो आप देखोगे ऊपर 1 ही आ रहा है, 1 2 3 4, ये तो हमने डब्ल्यू की तरह लगा दिया था ना। तो आप चाहे डब्ल्यू को ले लो चाहे आप स्टार्टिंग किसी लेटर को ले लो, आएगा वही निकल के आपका पैटर्न, ओके। तो बेटर है आप स्टार्टिंग किसी लेटर को लो पीछे के लेटर के लेने की वजह, क्योंकि इसमें क्या होता है डिसेंडिंग चलना पड़ेगा, इसमें असेंडिंग चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा जो काम होता है वो क्या होता है, दूसरा काम होता है आपके जो वॉवल होते हैं उनको पकड़ लो फटाफट से, कि आपका जो वॉवल यूज करा जा रहा है उनमें किसका कोड क्या है। तो ए ई आई ओ यू, तो इस यहाँ पे आप देखो जो ए है वो कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ओके। तो 1 2 3 4 फोन नंबर पर है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फोन नंबर पे क्या लगाया गया है आपका, एस लगाया गया है, यानी कि ए का कोड क्या होगा आपका, एस होगा। फिर ई की बात करते हैं, तो ई यहाँ पर गिवन है, ई का कोड क्या लगाया है इन्होंने, टी लगाया है, तो टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर बात करते हैं आई की, तो आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आई का कोड यहाँ पे क्या लगाया गया है, पी लगाया गया है, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। ओ का कोड क्या है, ओ का कोड यहाँ पर ये है ओ, तो ओ का कोड यहाँ पे क्या लगाया है इन्होंने, एल लगाया है, तो एल आ जाएगा यहाँ पे। फिर यू का कोड इन्होंने क्या लगाया है, सो यू का कोड लगाया है वी, तो वी आ जाएगा यहाँ पे। वैसे तो ये भी एक सीधे ऑर्डर में लिखा है, लेकिन ये एक चांस वाली बात है कि सीधे ऑर्डर में ये लिखा है और सीधे ऑर्डर में हमें मिल गया, ये एक चांस वाली बात है, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम यहाँ पर भी एक चांस वाली बात है कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था कि बी जो है उसे हमें एक की तरह कोड करना है, सी को हमें 2 नंबर देना है, तो हमें यहाँ पे वही मिल गया, बी को 1 सी को 2। लेकिन ये जरूरी नहीं है, बी को 3 भी हो सकता है, बी को 4 भी हो सकता है, बी को 5 भी हो सकता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन भी इन्होंने कुछ लगाई है कि जब आप कोडिंग मतलब आप इसका कोड को ढूंढेंगे तो यहाँ पे ये कहा गया है, इफ फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, अगर आपका पहला लेटर जो है वो अगर कॉन्सोनेंट होता है एंड लास्ट लेटर इज अ वॉवल और लास्ट लेटर जो है वॉवल होता है, देन द कोड्स ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इंटरचेंज, तो दोनों के जो कोड है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इंटरचेंज हो जाएंगे।
फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवल्स देन दे आर टू बी कोडेड एज परसेंटेज। अगर आपका पहला और लास्ट लेटर जो है वो क्या है यहाँ पे वॉवल हो तो इनको कैसे कोड करा जाएगा, परसेंटेज की तरह कोड करा जाएगा। आगे कह रहे हैं इफ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज वॉवल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड एज परसेंटेज। तो यहाँ पे ये कहा गया है अगर आपका पहला लेटर जो है वर्ड का वो आपका वॉवल हो और लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो तो दोनों को आप क्या करोगे परसेंटेज की तरह कोड करोगे। फिर कहा गया है इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट देन दे आर टू बी कोडेड एज परसेंटेज। तो यहाँ पे कहा गया अगर आपका पहला और आखिरी दोनों ही लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं तो उनका जो कोड है उसे हम कैसे कंसिडर करेंगे, हम एट द रेट की तरह करेंगे, मतलब उनके कोड को हम एट द रेट लिखेंगे। तो यही आपका हिंदी में गिवन है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कोडिंग पर, मतलब क्वेश्चन पर। यहाँ पे मैंने इसे कंडीशन रख दी है और ये आपका आ गया चार्ट जो हमने भी पीछे बनाया था ना, कि ए को हमें क्या देना है, एस देना है, उसके बाद ई को टी देना है एंड आई को पी देना है। साथ में इसके नंबर को भी लिख दिया है, बी को 1, सी को 2, डी को 3। तो ये तो आप भी लिखेंगे, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। बार बार आप कैलकुलेट करेंगे, बार बार आप इसे मतलब लिखते रहेंगे तो फिर वो तो बेकार की चीज़ है। या बार बार आप अपने फिंगर पर काउंट करोगे किसका क्या होगा तो उसमें बहुत देर लगेगी, तो बेटर है फटाफट से इसे लिख लो। अब यहाँ पे कहा गया है व्हाट कैन बी द कोड ऑफ फ्लूट, फ्लूट का कोड जो है वो क्या होगा। तो पहले कंडीशन देखेंगे, कंडीशन इसमें कौन सी लगेगी। तो आपका यहाँ पे कह रहे हैं पहला लेटर जो है वो क्या है, आपने अगर इसको पूरी चारों ही कंडीशन को पढ़ लिया है तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो कंडीशन चल रही है वो किसको चल रही है, आपकी फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को लेकर चल रही है। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट को लेकर। तो आप डायरेक्ट पहले क्वेश्चन में ही देख लो कि आपका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर क्या है, आपका वॉवल है। अब आप कंडीशन पर जाओ, वरना आप चारों कंडीशन बार बार थोड़ा पढ़ोगे। तो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लास्ट लेटर जो है वॉवल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन जो है वो इसमें लगेगी, तो इसमें क्या कहा गया है देन द कोड्स ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इंटरचेंज। तो दोनों के जो कोड है वो इंटरचेंज कर दिए जाएंगे। तो जो आपका ई का कोड है वो आपका एफ का कोड बन जाएगा और जो एफ का कोड है वो ई का कोड बन जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ई का कोड है वो क्या है, ई का कोड है यहाँ पे टी, तो टी पहले आएगा। एफ का कोड क्या है, सो एफ का कोड है 4, तो 4 बाद में आएगा। तो अब आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि सॉरी ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो कि आपके टी से स्टार्ट करके 4 पे एंड हो। तो आपका 1 तो होगा नहीं, यहाँ पे 4 भी नहीं होगा, तो आंसर या तो 2 होगा या 3 होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो वैसे चेक कर लेते हैं L का जो कोड है वो क्या होगा। तो L का कोड यहाँ पे दिया गया है L L L का कोड है 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 आएगा यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया, तो आंसर जहां तक आपका 3 होगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज होगा। वैसे तो ज्यादातर आपका 3 होता है, नन ऑफ दीज ज्यादा मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि नहीं होते हैं, आपका आंसर जो होता है वो ऑप्शन में गिवन होता है। लेकिन फिर भी हमें तो रिस्क नहीं लेना है तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो आपका जो यू का कोड है वो क्या है, यू का कोड वी है, तो वी आएगा। और टी का कोड क्या है, टी का कोड 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे टी 3 वी डबल 4 सब गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सर करेक्ट आंसर। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गिवन है व्हाट कैन बी द कोड ऑफ स्लो, स्लो का कोड यहाँ पे क्या होगा। सो स्लो का कोड क्या होगा, यहाँ पे आप देखो पहले इसकी कंडीशन को। तो पहला क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, आखिरी भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कौन सा जो कंडीशन है वो लगेगी। तो यहाँ पे तो फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर इज अ वॉवल, यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड लास्ट वॉवल बताए हैं, यहाँ पे फर्स्ट लेटर वर्ड इज वॉवल, लास्ट कॉन्सोनेंट बताया है, यहाँ बताया है कि फर्स्ट एंड लास्ट आर कॉन्सोनेंट एंड दे आर कोडेड एज एट द रेट। तो अगर आपके पहले और जो आखिरी लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट होता है, दोनों को कैसा कोड करेंगे हम लोग, एट द रेट की तरह कोड करेंगे। तो एट द रेट की तरह कोड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कट जाएगा, या तो 2 आंसर होगा या फिर आपका 4 आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख लो बाकी का जो L और O है उसका कोड क्या है। सो L का कोड यहाँ पे क्या है, L का कोड है 3, ओके तो आपका 4 कट जाएगा। एंड जो आपका O है उसका कोड क्या है, सो O का कोड है यहाँ पे L, तो L आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, एट द रेट 3L एट द रेट, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सर करेक्ट आंसर। फिर एजुकेशन वर्ड इसको देखते हैं हम लोग, पहला लेटर क्या है, पहला लेटर वॉवल है, नेक्स्ट आखिरी लेटर जो है वो है आपका कॉन्सोनेंट। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सॉरी ये तो वॉवल है, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन बोथ आर टू बी कोडेड एज हैश। तो यानी कि आपका ई भी हैश की तरह कंसिडर होगा, एन भी हैश की तरह लिखा जाएगा। अब बाकी को देख लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 और 4 में से आंसर होगा। तो इसको देखते हैं डी का कोड क्या होगा, डी का कोड होगा 3, ठीक। उसके बाद U का कोड क्या होगा, सो U का कोड आप देखोगे तो यहां पर होगा V, ओके। फिर C का कोड क्या होगा, C का कोड होगा 2, फिर A का कोड होगा S, T का कोड क्या होगा, T का कोड होगा 4, I का कोड क्या होगा, I का कोड होगा P, फिर O का कोड क्या होगा, O का कोड होगा L, ओके। N का कोड क्या होगा, N का कोड होगा यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा, ओके। अच्छा वैसे हमें जो यहाँ पर n है उसका कोड तो हैश लिखना है ना, तो हम हैश लिख लेंगे, है ना, दोनों का कोड तो हैश होगा, सॉरी 5 नहीं आएगा, हैश आएगा। तो ये आप देख रहे हो इससे मैच कर रहा है 3v2s4pl, तो आपका 4 होगा करेक्ट आंसर।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट कैन बी द कोड ऑफ इशू, इशू का कोड यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। और दूसरी एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे कि आपकी चारों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं लगती है तो आपको जो यहाँ पे आंसर फाइंड करना होता है वो बिल्कुल एज इट इज, जैसे कि आपका कोड लिखा होता है, जैसे कि आपका वर्ड लिखा होता है उसका कोड फाइंड करके लिखना होता है अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। वैसे तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इतना अंदाजा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपकी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल करना होता है, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों क्या है, वॉवल है। तो दोनों है, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवल देन दे आर टू बी कोडेड एज परसेंटेज। तो उनको कैसे कोड करना है, परसेंटेज की तरह कोड करना है। सो आई की जगह भी परसेंटेज आएगा और ई की जगह भी परसेंटेज आएगा। तो आप देखोगे सारे ही ऑप्शन में परसेंटेज गिवन है, तो हमें फाइंड तो करना ही पड़ेगा बिकॉज नन ऑफ दीज ऑप्शन में है, मेन जो है वो नन ऑफ दीज ऑप्शन में है। तो आपका एस का जो कोड है वो 3, तो दोनों तरफ 3 आएगा। यू का कोड क्या है, यू का कोड है यहाँ पे वी, तो वी आएगा। सो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर आपका, परसेंटेज 3 वी और परसेंटेज। ओके चलिए अब इसका आंसर जो है वो आप खुद फाइंड करके मुझे बताइए कि व्हाट कैन बी द कोड ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो कोड है वो क्या होगा। तो इससे पहले देखिए कंडीशन कौन सी लगेगी इसमें, आप देखोगे पहला भी कॉन्सोनेंट है दूसरा भी कॉन्सोनेंट है, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट देन दे आर कोडेड एज एट द रेट। उन्हें कैसे फाइंड करना है, आपका एट द रेट की तरह फाइंड करना है दोनों में, आप सॉरी कैसे कंसिडर करना है, दोनों को एट द रेट की तरह लिखना है। तो दोनों में आपका पहले नंबर पे भी और आखिरी नंबर पे भी एट द रेट आएगा और बीच का कोड जो है फाइंड करो, आंसर बताओ आपको कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसी के संग अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन मेल मी ऑन currentaffairsfunda1@gmail.com, आप मुझे मेल कर सकते हैं, संग में आपके डाउट जो भी हैं उन्हें पूछ सकते हैं। डाउट सेशन जो संडे को आता है मैं इसमें उसे कंसिडर करूंगी। तो सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, एक न्यू पैटर्न का हमने क्वेश्चन सीखा और इसी तरीके से जो न्यू न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको भी हम लगातार कवर करते रहेंगे। फेसबुक पर आपका एक यहाँ पे ग्रुप है करंट अफेयर्स फंडा कैफ के नाम से, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितने भी डिस्कशन होता है वो आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कराएगा, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे जो टीम है वो उस पर वर्क करती है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को इसमें पोस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।